इवनिंग, कैसे हो आप लोग? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे आप लोग कैसे हो सब। और अभी सामने आने वाला है दुर्गा पूजा, और अभी शाम हो रही है, 8:10 है, काफ़ी लेट हो गया है। माही को खिलाते विलाते सब कुछ क्लीनिंग करते करते टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, देखते हैं क्या हाल है उदयन शंकर का। अगर मिलता है मुझे देखने का मौका तो आपके वो भी ज़रूर दिखाऊंगी, तो ब्लॉग देखते रहिएगा, ठीक है? तो चलिए ज्वेलरी पहन लेते हैं। ये देखो हमारे साथ कौन आया है। बाबू हाय कर दो। माही इधर देखो, बेबी बेबी माही भी चढ़ गई है हमारे साथ। ये देखो फर्स्ट टाइम बाइक का ले। ये देखो, देखते चलो। यहाँ पे भी एक पैंडल है, ये बंटी ब्रिज है और यहाँ पे एक पैंडल हुआ है, और हम जाएंगे लेफ्ट साइड। ये आ गया है सेकंड स्कीम। सेकंड स्कीम में भी एक पैंडल हुआ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पैंडल होता है यहाँ पे, बट अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन ग्रीन ग्रास चारों तरफ है, ये खुला है, एकदम ओपन पैंडल है। बट स्टिल इस साल थोड़ा मिस करेंगे थोड़ी सी, बट स्टिल यार हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है। तो अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स नागतला उदयन शंकर। जैसे आप देख सकते हो बड़ी मुश्किल से एंट्री मिली है, और अंदर अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये 20th को खुलेगा, 20th को इसकी एक्चुअली ओपनिंग होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे डेस्क है, हेल्प डेस्क है, कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे बहुत सारे हेल्प डेस्क भी है, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो फर्स्ट एड रिलेटेड या कोई किसी का कुछ गुम हो गया है यहाँ के क्वेरी कर सकते हैं। बाय द वे चलिए अंदर भी जाती हूँ, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ तो अंदर भी देखती हूँ एंट्री करने को मिलता है, मिला तो है मुझे, लेकिन चलो अंदर चलते हैं, लेट्स गो। और ये देखो अभी भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है, तो अंदर आप देख सकते हो ये साइड में काफ़ी लाइटनिंग वगैरह, ये बाहर ज़्यादा ब्यूटी नज़र आएगी आपको अंदर देखने से। ये जो लाइटनिंग देख रहे हो साइड में वो बाहर से ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, चलिए घूमते हैं। तो उदयन का जो थीम होता है ना बहुत ही ज़्यादा हटके होता है, और यहाँ का भगवान आप देख रहे हो एकदम यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। एक्चुअली पूरा जब कंप्लीट होगा तो देखने में और भी ज़्यादा उमदा लगेगा, बट स्टिल यही बहुत है हमारे लिए। मेरे को एंट्री करने को मिली ये भगवान की चाहत है, भगवान जब तक नहीं चाहते ना तब तक कुछ नहीं होता है, ये उसी बात का प्रमाण है। तो ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और यहाँ पे देखिए आप चक्र वगैरह बन रहे हैं और काफ़ी लोग बैठे भी हैं अंदर में थोड़े बहुत, और मैंने भी चलो इस बहाने अंदर घुस के मैंने भी फ़ोटो वगैरह लिया, यहाँ पे खूब सारे फ़ोटोज़ लिए और खूब सारे वीडियोज़ कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो चलिए अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? बहुत मेहनत करके बना रहे हैं आपके लिए, और देखती हूँ और क्या क्या कवर कर पाती हूँ मैं फ़िलहाल। और अंदर का व्यू मुझे थोड़ा अच्छा लगा, काफ़ी सूदिंग है, बट इस बार ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, यहाँ से साइड से निकल के निकल जाएंगे हर कोई। तो जैसे आप देख सकते हो बाहर लाइटनिंग वगैरह भी है, ये देवराज खड़े थे और मैं यहाँ थोड़ा घूम रही हूँ, अकेले टहल रही हूँ, थोड़ा सा देख रही हूँ अंदर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे उदयन शंकर नागतला उदयन शंकर बंगालीज में लिखा है, जिनको नहीं आता है वो उनके लिए इंग्लिश देख लो, मैं जूम कर ले रही हूँ, जूम करके देख लो बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे स्टेज है, फंक्शन वगैरह भी होती है कई बार, वो फिल्म स्टार्स आते हैं ना उसका सेरेमनी के वक्त, तो ये और ये यहाँ का फेमस मंदिर था जो मैंने दिखाया आपको जूम करके। और यहाँ जो भी प्राइजेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हुए ये उनके पिक्चर्स है, हर बार यहाँ पे बहुत प्राइज़ मिलती है उदयन को। ये देखिए सारे पिक्चर्स हैं यहाँ के, देख लिया आपने, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, देखा आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आए हैं तो वो फ़ोटोज़ भी यहाँ पे। और ये रहा सैनिटाइजेशन टनल, बहुत अच्छा किया इन्होंने, थोड़ी थोड़ी देर बाद सैनिटाइजेशन होता रहता है वहाँ पे, ऑन होती है लाइट्स और सैनिटाइज़र गिरता रहता है ऊपर से एकदम। अगर होता तो मैं दिखा पाती आपको, बाय द वे अभी नहीं दिखा सकती, अगर होता तो।
लोगे? मिताली शोंगो का पैंडल। अभी माँ आई नहीं है, जब माँ आएंगे तो हम फिर से आ जाएंगे। लेकिन यहाँ के घरों में देखिए कितनी जान लग रही है, मतलब हर एक घर सजा हुआ है। यहाँ पे भी एक पैंडल हो रहा है। ये कौन सा जगह है भाई? गोष्ठोतला। अच्छा ठीक है, यहाँ तो कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये देखो यहाँ का वाटर पम्प बन रहा है, बहुत ही टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे ख्याल से। हमारा पाड़ा का पैंडल शिनाली पार्क गया। अभी पानी पियो। दिए से भिजी दिए छे ई राम ता ता हां ई बॉडी के देखा एटा का दे। तो चलो अब घर आ गए, अब चलते हैं बाकी के काम करने। माही अब ये तुम्हारा खिलौना है। माही एगलो दी खेल में हैं तो हमरा रन्ना घरे की रखबो बाबू किरे जा देखे जा दिया है ठामी के दिया है एकलो दिया है जा जाओ जाओ देखे आओ लेके बैठ गई है माही। अभी माही ये नहीं मिलेगा हमको। माही ए माही चलो नाइट ड्रेस पहन लो, जाओ नाइट ड्रेस। तुम्हारा नाइट ड्रेस कहाँ पे है? जाओ लेके आओ लेके आओ। अच्छा माही माही बोलो डॉग, बोलो डॉग, से डॉग माही डॉग ए डॉग ऐसे है। अच्छा अच्छा बोलो कैट। ये क्या ये क्या ये क्या माही डॉग पीछे से दिखा रहे हो तुम भाई बोलो डॉग भाई डॉग कैमन करे करे दिखाओ दिखाओ डॉग कैसे करता है ऐसे। माही डॉग कैसे करता है बेबी वुफ 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 कैमन करे हाँ कैट कैसे करता है बेबी एक तो डॉग करे डॉग की करे हाँ और कैट हाँ और पिग पिग Pig, weak, weak, weak. Cow कैमन करे भाई? Cow कैसे करता है? Cow, बताओ cow कैसे करता है? बोलो cow कैसे करता है? नहीं बोलेगा? बमास करेगा? भाई बताओ क्या cow कैसे करता है बेबी? Moo. Yes. और goat कैसे करता है? Goat, goat. मैं चलो जाओ नाइट ड्रेस पहनो और सो जाओ 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 डैडी सुला देंगे आज जाओ देवराज।
चलो डिनर हो गया अभी, और आई हूँ थोड़ा हेयर्स कॉम करने यानी मैं टाई करूँगी और सो जाऊँगी फिर। एंड रियली आज मैंने बहुत अच्छे से कवर किया और देखिएगा ज़रूर आप लोग। तो वो था नागतला उदयन शंकर का पूजा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये कोलकाता का बहुत ही फेमस पूजा होता है, ये पैंडल होपिंग है। इस पैनल को देखने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, लिटरली 4 घंटे टाइम देख के मैं देखी हुई अपने सिस्टर के साथ। वो अलग बात है कि मैं पहले दिन भी इसे फ्री आराम से फ्री किया यार आराम से देख के आई थी, क्योंकि मैं महालय के दिन ही चली गई थी और मुझे तभी मौका मिल गया था। लगे हाथ हम दोनों चले गए अंदर, शादी के बाद से हम लोग सबसे पहले उदयन शंकर देखते हैं। तो इस बार भी मैंने सबसे पहले उदयन शंकर देखा, क्योंकि ये एक ट्रेंड हो गया है मेरे लाइफ में आफ्टर मैरिज। जब से मैं शादी होके आई हूँ यहाँ पे ससुराल में, तो मैं पहला पैंडल उदयनी देखती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा ऐसा लगता है कि वो लकी है मेरे लिए, क्योंकि मेरी पूजा अच्छी जाती है। तो पिछली बार भी मेरे ऐसे ही मैंने किया था और इस बार भी मैंने ऐसे ही किया, चलो ट्रेंड को पकड़ के रखा है मैंने। तो चलिए ये था मेरा आज का दिन, और आप लोगों के लिए मैंने कोशिश की उदयन शंकर को थोड़ा कैप्चर करने का, उसकी खूबसूरती को कैप्चर पूरी तरीके से नहीं कर पाई, क्योंकि आप देख ही सकते हो लाइटिंग का काम पूरी तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन अगर होता है, मुझे फिर मौका मिलता है, पूरा कब हो जाता है उसके बाद, मैं ज़रूर एक बार फिर विजिट करूँगी। आई वुड लाइक टू विजिट वंस अगैन एंड आई वुड लाइक टू कैप्चर द होल ब्यूटी ऑफ दैट पैंडाल, स्पेशली फॉर देम दोज पीपल दोज हु आर नॉट फ्रॉम वेस्ट बंगाल और कोलकाता, दोज हु रियली डू नॉट नो अबाउट दुर्गा पूजा, जिनको बिल्कुल नहीं पता है दुर्गा पूजा का क्या स्पेशलिटी है, क्या ये 4 से 5 दिन हमारे लिए कितना मायने रखता है। सीरियसली हम ही जानते हैं, बंगाली नो, इवन आपको मैं बता दूँ, जो लोग नॉन बंगालीज है, दोज हु आर नॉट बंगाली एंड दोज हु आर स्टेइंग एट कोलकाता और वेस्ट बंगाल, वो भी बहुत फेस्टिव मूड में होते हैं। पूछिएगा कभी अगर आपका कोई हो कोलकाता में, और दुर्गा पूजा की जो फीवर होती है ना बंगालीज को, तो बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन सीरियसली इस बार हमारा दिल बड़ा दुख है, क्योंकि पता नहीं इस साल क्या होगा। एक अंदर में डर भी है और एक होता है ना फीवर, फेस्टिव फीवर, वो भी है कि सीरियसली। तो चलिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए आप लोग, आपका काम है एंजॉय करना, दुखी नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, क्योंकि ऐसी लाइफ आएगी फिर जाएगी, अदरवाइज हम लाइफ से कुछ सीखेंगे नहीं। हम किसे पता था कि लाइफ में क्या क्या होना है, आपको पता था कि ऐसा टाइम आने वाला है, नहीं पता था ना। तो लाइफ इज अनसर्टेन, फ्यूचर इज अनसर्टेन, एनीथिंग कैन हैपन, सो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी फॉर एवरीथिंग, जो भी आए उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत नींद आ रही मेरे को, समझ नहीं आ रही मेरी आंखें देख के। चलो बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।